हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए कुछ कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। पर ये कॉन्सेप्ट मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं आपसे आज यहां पर इस कॉन्सेप्ट पर बात करने बैठा हूं। सबसे पहले तो आपने ये समझना होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं। याद करने से मेरा मतलब क्या है? रट लेना। आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या रट रहे हैं, यह आपको देखना पड़ेगा। रट लेने से फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और सीखना और रट लेने में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात। आप कभी स्कूल लाइफ में फर्स्ट क्लास में बैठे होंगे, फर्स्ट क्लास याद आ रहा है आपको? और फर्स्ट क्लास में ही बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर आपको सिखाए गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर सिखा दिए गए। मुझे ये बताइए, इन सभी चीजों में किस स्टूडेंट को आज की डेट में प्रॉब्लम आ सकती है? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? मुझे तो नहीं लगता किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूं आपसे एट्थ क्लास की। एट्थ क्लास में आपको सिखाया गया क्या? ए प्लस बी प्लस सी रेज पावर 4। ये कब सीखा आपने? एट्थ क्लास में। मुझे सिर्फ ये बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस आप में से कितने स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को आज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हां सर, इसकी वैल्यू आगे अब क्या होने वाली है? कितने लोग आप में से इस फॉर्मूले को लिखवा सकते हैं आज भी? कोई एक या कोई दो या कोई तीन? बस एक बार जरा प्रैक्टिकल सोचो। आप सभी ने आज लगभग 12th के बाद आज आप इस प्रोफेशनल लाइन में बैठे हुए हैं। 12th सभी ने कर ली है, प्रोफेशनल एग्जाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। 12th अगर आपने कर लिया है तो फर्स्ट क्लास को पढ़े हुए कम से कम भी सभी को कम से कम भी 12 साल हो चुके हैं। जो चीज 12 साल पहले सीखी थी वो आज याद है, और जो चीज सिर्फ 4 साल पहले सीखी थी वो आपको याद नहीं है। मुझे सिर्फ इसका रीजन सोचकर बता दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 12 साल पहले चीज थी, पढ़ी हमने, वो याद है हमें आज भी, लेकिन जो सिर्फ 4 साल पहले भी आठवीं क्लास में, नौवीं क्लास में हमने सीखी, वो आज मुझे याद नहीं? कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन रेज करते समय आंसर आपको पहले ही बोल दिया। मैंने आपसे क्या कहा, आपने सुना? मैंने कहा आपने एट्थ क्लास में ये ए प्लस बी प्लस सी की रेज पावर 4 आपने पढ़ा और इसकी फॉर्मूला आपको सिखाया गया, इस फॉर्मूले को आज आप बता सकते हैं। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले को बता सकते हैं क्या? जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला याद किया जाता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है। इसका आज की डेट में आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का आपको कॉन्सेप्ट पता है। और अगर वो कॉन्सेप्ट पता है, लाइफ टाइम में आप कभी नहीं भूल सकते। और अगर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो तब तक ही याद रहना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, बस। और यही चीज मैंने आज ये पॉइंट आपसे डिस्कस करते हुए पहला क्वेश्चन यही किया, आप सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या रट रहे हैं?
क्योंकि रटी हुई चीज सिर्फ तब तक ही याद रखोगे जब तक एग्जाम होने वाला है, एग्जाम खत्म सब खत्म। प्रोफेशनल बन जाने के बाद इस तरह की अप्रोच क्या आपके काम आ सकती है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने आप से इस सवाल को करें। प्रोफेशनल बन जाने के बाद क्या यह अप्रोच कि हमने कोई चीज एग्जाम देने के लिए याद कर ली थी, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उसका यूज करना पड़ेगा, तब कैसे याद आएंगी? अब सोचो जरा कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं फिर आपको। और ये रियलिटी है। आज आप सभी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव लिए हुए बैठे हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाए, बस बात खत्म। पता है किस तरह की प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को एग्जाम में? एग्जाम में आप क्वेश्चन करने बैठे हो और सभी के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, आप नोट कर लेना मेरी इस बात को। एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसा कि आपको सर ने मैडम ने क्लास में करा दिया था तो आप बना लोगे, और अगर क्वेश्चन वैसा नहीं आया अब नहीं बनता। एक ही एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने अगर अलग से उठाकर पूछ ली और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, आप उस बैलेंस शीट को टैली नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लेना आपने चीज सीखी नहीं है, रट ली है। आप सिर्फ वही करना जानते हैं जो आपको सर ने क्लास में करा दिया, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता। सोचो कैसे काम चलेगा फिर। इसलिए मैंने क्या कहा, हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। सिर्फ एग्जाम क्लियर कर लेना आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एग्जाम क्लियर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है यह बात गलत है। आपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। आप समझें, अगर आपने किसी चीज का क्वेश्चन सीखा तो मतलब आप सिर्फ वही क्वेश्चन बना पाएंगे, और अगर आपने किसी चीज का कॉन्सेप्ट सीखा है, अब मैं कहता हूं आए इंस्टीट्यूट और पूछे क्या पूछना चाहता है, मैं हर चीज को सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। यह प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। तो क्या बोला था मैंने, आप सीख रहे हैं या रट रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हुए काम करना पड़ेगा आपको। आइए जरा, आज जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है, न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। और वो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के लिए जो बहुत टफ है, वो क्या है? वो है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आपने सुना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। न जाने आपने किस किस तरह से क्या क्या उल्टे पुलटे तरीके लगाकर वो हो सकता है आपने सीखा हो। आज मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, और कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। और ये सभी के लिए, जो भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना यूजफुल होगा वो आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ध्यान से समझिएगा प्लीज। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहां पर इस लाइन से प्रेजेंट कर रहा हूं ईयर वन को, कोई भी ईयर है, ईयर वन। ईयर वन में आज मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, यानी वन वन, यानी फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जनवरी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर बेसिस पर चलते हैं,
31 दिसंबर, आज हम खड़े हैं यहां पर, यानी इस साल के पहले दिन। साल के पहले दिन जब वर्कर फैक्ट्री में पहुंचा तो उसने इस ईयर वन की पहली पहली यूनिट बनाना स्टार्ट किया सुबह 10 AM पर, और पहली यूनिट 12 AM पर बनकर कंप्लीट हो गई। 10 AM से 12 AM पर शाम को एक कस्टमर आया कंपनी के पास 5 PM पर, और वो कस्टमर इस कंपनी से जो कि ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। अच्छा, कंपनी प्रोडक्शन कर किस लिए रही है? सेल करने के लिए। कंपनी ने कहा ठीक है यूनिट मिल जाएगी। उसने कहा कि कितने की पड़ेगी एक यूनिट? तो कंपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले, उसे प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसकी कॉस्ट भी तो कंप्यूट करना चाहेगी कि कंपनी को खुद बनाना ये एक यूनिट कितने का पड़ा। चलो इसकी कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल, अब ध्यान से, अगर यूनिट बन चुकी है तो कोई प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने का मटेरियल लगा है क्या कंपनी को पता होगा या नहीं? मान लीजिए, देखिए ये कैलकुलेटर है मेरे हाथ में, ये कैलसी है। कंपनी ने सुबह ईयर वन में, वर्कर ने 10 AM पर ये कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया, और एक वर्कर ने 12 AM पर ये कैलकुलेटर कंप्लीट कर दिया। तो इस कैलकुलेटर में कंपनी ने कितने का मटेरियल लगाया है ये कंपनी को मालूम होगा या नहीं? अब मटेरियल लगाया है, जो भी इसमें मटेरियल यूज किया गया है उस मटेरियल खरीद कर ही तो यूज किया गया है। कंपनी ने इस मटेरियल को परचेज करते समय सप्लायर को कितने रुपए की पेमेंट की होगी ये पता होगा या नहीं? ये तो पता होगा इसमें कितने का मटेरियल लगा है। ये लो, मान लीजिए मटेरियल लगा इसमें ₹20 का, ठीक है। दूसरी बात करते हैं लेबर। इस कैलकुलेटर को बनाने में, यानी एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट? अब आपने इंटर में लेबर का चैप्टर भी किया होगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि या तो वर्कर को आर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है या फिर वर्कर को पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। याद आ रहा है कुछ इंटर का कॉन्सेप्ट? आर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करना, यानी टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करना, इसे सपोर्ट करने वाले बहुत से प्लान आपने किए होंगे, हल से प्लान, रोवन प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। और अगर वर्कर को पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, इसे सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे प्लान आपने सीखे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। तो यानी या तो वर्कर को टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी या यूनिट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कंपनी ने पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि एक कैलकुलेटर बनाने के वर्कर के ₹50 पर यूनिट, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे? ₹50 ऐड कर देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर यूनिट के हिसाब से नहीं, आर्स के हिसाब से पेमेंट हो तो आर्स के हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए वर्कर को कंपनी देती है ₹25 पर आर। अब एक कैलकुलेटर अगर ये वर्कर बना चुका है तो ये पता होगा कि इस कैलकुलेटर को बनाने में कितना टाइम लगा है या नहीं? अब कैलकुलेटर बन गया है तो हमें पता होगा ना कितने यूनिट लगी है, कितने आर्स लगे हैं इसे बनाने में। तो देखो मैंने तो पहले ही लिखा है, यहां पर देखो ये लिखा हुआ 10 AM पर ये कैलकुलेटर, यानी पहली यूनिट बनाना स्टार्ट किया था, 12 पर कंप्लीट हो गया, यानी 2 घंटे इसमें लगे, और वर्कर का वेज रेट है 25, तो लेबर कॉस्ट कितनी? 50। चाहे कंपनी टाइम के बेसिस पर पेमेंट करे तो भी लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकल सकती है, चाहे कंपनी यूनिट के हिसाब से पेमेंट करे तो फिर तो पर यूनिट सीधा सीधा फिक्स है ही। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इस एक कैलसी में ₹20 का मटेरियल लगा, ₹50 की लेबर लगी। अब मैं कहता हूं इसमें फैक्ट्री का रेंट आप बताएं कितना ऐड करें? सर फैक्ट्री का रेंट भी तो पता होगा। चलो मैं बता देता हूं, कंपनी फैक्ट्री का रेंट देती है ₹50,000। तो क्या इसमें 50,000 ऐड कर दूं क्या एक कैलकुलेटर में? 50,000 नहीं सर, एक कैलकुलेटर में तो नहीं, पर यूनिट निकालना चाहिए। अब पर यूनिट निकालना चाहिए तो मैं क्या करूं, पर यूनिट कितना लूं? सर टोटल कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो, पूरे साल का रेंट मैं दूंगा 50,000। मुझे आज कैसे पता कि पूरे साल में कितने कैलकुलेटर बनाकर सेल कर सकता हूं? प्रॉब्लम समझ आ रही है? मटेरियल निकालने में प्रॉब्लम नहीं थी,
लेबर निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है रेंट में। अच्छा रेंट ही नहीं, ये लो फोरमैन सैलरी यानी सुपरवाइजर सैलरी ऐसे कह सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, सुपरवाइजर को 20,000 रुपीज की पेमेंट की जाती है पर मंथ। मुझे बताइए एक यूनिट में कितना ऐड करूं, मेरी बात समझ पा रहे हो? एक यूनिट में कितना ऐड करें? कैलकुलेटर बनाने के लिए मशीन चली, मशीन का डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ एक यूनिट में कितना ऐड करूं? यह प्रॉब्लम आती है कंपनी के सामने। यानी मटेरियल निकालते समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर के केस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन केसेस में। और इन केसेस को हम एक नाम दे देते हैं फिर, ओवरहेड्स। इन सभी चीजों को, इन सभी टर्म्स को फिर हम नाम देते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड ये कैसे ऐड किए जाने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा वो समझेंगे हम। ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो ना? अब कंपनी ओवरहेड का अमाउंट कैसे ऐड करेगी? ये ओवरहेड का अमाउंट ऐड किया जाता है एस्टिमेटेड बेसिस पर। एस्टिमेटेड बेसिस से मतलब क्या है, ध्यान दो। कंपनी साल के बिगिनिंग में यहां पर एस्टिमेट लगाएगी कि इस पूरे साल में हमारे कितने ओवरहेड खर्च होंगे। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात चल रही है। फॉर एग्जांपल बजटेड ओवरहेड रुपीज 1 लाख, ये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर चल रहा है। अच्छा पूरे साल में लगभग कंपनी कितनी यूनिट बनाएगी? फॉर एग्जांपल बजटेड यूनिट्स यानी बजटेड आउटपुट 10,000। साल के स्टार्टिंग में हम एस्टिमेट लगा रहे हैं 10,000 यूनिट बनाएंगे, 1,00,000 रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड खर्च होंगे, तो हर एक यूनिट में कितने ओवरहेड का अमाउंट ऐड कर देना चाहिए? ये लो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स रुपीज 10 पर यूनिट। ये कहां पर काम कर रहे हैं हम? फर्स्ट डेट को यहां पर खड़े होकर, यानी यहां पर हमने किया बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी यहां से यूनिट बनाना स्टार्ट करेगी, बनाते रहेंगे सेल करते रहेंगे, बनाते रहेंगे सेल करते रहेंगे पूरे साल, और हर यूनिट में ओवरहेड का अमाउंट कितना ऐड करते जा रहे हैं? रुपीज 10 पर यूनिट। मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है रिकवरी रेट निकालने का, जब हम यूनिट्स के बेसिस पर इंटर में निकालते थे। और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज रेट, लेबर कॉस्ट परसेंटेज रेट, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, या फिर पर यूनिट बेसिस। इस तरह से याद होगा ना आपको कि सर लेबर आर रेट निकालना है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स या बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, मशीन आर रेट निकालना है तो ओवरहेड्स को मशीन आर से डिवाइड कर दो पर मशीन आर। तो वही मैंने यहां पर क्या लिया है, पर यूनिट। अच्छा कंपनी पूरे साल काम करती गई और मान लीजिए इसी तरह हर यूनिट में 10 रुपए ऐड करते 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 आज हम इस साल के एंड पर पहुंच चुके हैं। कंपनी ने सोचा था 10,000 यूनिट बनाकर सेल करेंगे, जब एक्चुअल में कंप्यूट किया तो पता चला एक्चुअल यूनिट बनी कितनी है, एक्चुअल यूनिट बनी 9,000 यूनिट्स। एक्चुअल में यूनिट कितनी बनी, 9,000 यूनिट्स। ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात? कंपनी फिक्स्ड ओवरहेड लंपसम अमाउंट में पे कर देती है। फिक्स्ड ओवरहेड कभी पर यूनिट नहीं जाते, रेंट कभी पर यूनिट नहीं जाता, लंपसम अमाउंट में फिक्स्ड ओवरहेड पे हो गया। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड निकालने किससे हैं, ये फिक्स्ड ओवरहेड लेने किससे हैं, कस्टमर से। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में 10 रुपए ऐड करके ले रहे हैं। पेमेंट तो लमसम अमाउंट में हो जाती है, ये निकालना पड़ता है, ये रिकवर करना पड़ता है किससे, कस्टमर से। अब कस्टमर तो एक 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 यूनिट खरीदेगा, इसलिए हम इसके लिए निकालते हैं जो हमने वर्ड वहां पर इंटर में दिया था, रिकवरी रेट। पढ़ा था आपने इंटर में रिकवरी रेट। अब कंपनी हर एक यूनिट बनाकर सेल कर रही है, फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट रिकवर कर रहे हैं रुपीज 10 जो मैंने यहां पर निकाला अभी ऊपर। हर एक यूनिट से 10 रुपए रिकवर करते आ रहे हैं, हर एक यूनिट से 10 रुपए रिकवर करते आ रहे हैं। एक्चुअल में पूरे साल भर में यूनिट बनी 9,000, तो मुझे बताइए रिकवरी कितनी की होगी।
रिकवर्ड ओवरहेड्स। रिकवरी कितनी हुई? रिकवरी हुई सर 9000 यूनिट बनी है, एक यूनिट से 10 रुपए रिकवर कर रहे थे तो रिकवरी हुई 90,000 की। बात समझ आ रही है मेरी? रिकवरी कितनी हुई? 90,000 की। अब मुझे ये बताओ कि हमारे बजटेड ओवरहेड थे कितने? देखो यहां पर ये बजटेड ओवरहेड थे 1,00,000 और रिकवर कितने किए? ये रिकवर किए हमने 90,000। ये रिकवरी इन कंपैरिजन ऑफ बजट कम रह गई या ज्यादा हो गई? सर बजट था 1,00,000 का, रिकवर हुए 90,000, ये तो रिकवर हम कम कर सके हैं, कम कर पाए हैं। ये रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड के बराबर नहीं आए, ये रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से कम रह गए। क्यों? क्या आप में से कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? देखिए यूनिट बनी 9,000 तो हर यूनिट से 10 रुपए रिकवर कर रहे थे तो रिकवरी हुई 90,000 की। अगर यहीं पर यूनिट बन जाती 11,000 तो 11,000 यूनिट से हर यूनिट से 10 रुपए रिकवर करते तो ये अमाउंट आता 1,10,000 रुपए, तब रिकवर्ड अमाउंट ज्यादा आता। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये रिकवर्ड अमाउंट बजटेड अमाउंट से चेंज क्यों है? क्योंकि यूनिट्स चेंज है। सोचो जरा, अगर मैंने 10,000 यूनिट सोची थी ये 10,000 यूनिट्स और मैं 10,000 यूनिट्स ही बना पाता तो मेरे रिकवर्ड ओवरहेड कितने होते? फिर मैं कहता 10,000 × 10 1,00,000, बजटेड ओवरहेड भी 1,00,000, रिकवर्ड ओवरहेड भी 1,00,000। तो रिकवर्ड अमाउंट रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से डिफरेंट है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो गई, बजट किसी और यूनिट का था, एक्चुअल में यूनिट कुछ और बनी है। तो यानी रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से डिफरेंट होते हैं। किस वजह से? नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं? वॉल्यूम का मतलब क्या है? वो भी तो नंबर ऑफ यूनिट्स है। यानी रिकवर्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की वजह से। इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मैंने विद लॉजिक बताया है नाम वॉल्यूम कैसे आया, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये बात ठीक है? हेडिंग देंगे, ये अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा बाद में, नोट कराऊंगा कैसे लिखते हैं। पहले आप क्या कर रहे हैं, हेडिंग देंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और क्या डिस्कस किया हमने यहां पर? रिकवर्ड ओवरहेड मे बी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स क्यों डिफरेंट होगा? ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नंबर ऑफ यूनिट्स कॉमा हेंस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टर्म्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या लिखा हमने? रिकवर्ड ओवरहेड्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड ओवरहेड्स ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। हेंस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टर्म्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस।
फिक्स्ड ओवरहेड्स, वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स। रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड ओवरहेड्स, ध्यान रहेगी ये बात, बस आपने इतना ही लिखना है, एग्जाम्पल का डेटा आपने नहीं लिखना है। और अगर मैं इस एग्जाम्पल में बात करूं जिसकी कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर मेरे रिकवर्ड ओवरहेड कितने हैं, ये मेरे रिकवर्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं 90,000 माइनस बजटेड ओवरहेड है, बजट था 1,00,000 का, और ये मेरा वेरिएंस कितना आ गया 10,000 एडवर्स। एडवर्स क्यों कह रहा हूं, समझ आ रही बात, जहां मेरा बजट था कि हम 1,00,000 रुपए की कस्टमर से रिकवरी करेंगे, वहां हमने रिकवरी की कितनी 90,000 की, तो रिकवरी कम रह गई, वेरिएंस एडवर्स हो गया। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट समझ आया वॉल्यूम वेरिएंस क्यों नाम दिया। चलो वापस आते हैं इस एग्जाम्पल पर, ये 1,00,000 कौन से ओवरहेड थे, बजट जो हमने स्टार्टिंग में एस्टिमेट लगाया था, ये 90,000 कौन से ओवरहेड हैं, रिकवर्ड जो हम एक यूनिट से 10-10 रुपए करके 9,000 यूनिट से अपने कस्टमर से रिकवर कर पाए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बजट था 10,000 यूनिट बनाने का, एक्चुअल में बनी 9,000 यूनिट्स, डिफरेंट हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, वो तो एस्टिमेटेड ही था स्टार्टिंग में। इसी तरह सोचकर बताओ, बजट था मेरा 1,00,000 रुपए के ओवरहेड खर्च होंगे, एक्चुअल में 1,00,000 रुपए के ओवरहेड ही खर्च हो, कोई जरूरी है क्या? सर एक्चुअल ओवरहेड अभी लिए नहीं है क्या, बताओ, मैंने एक्चुअल ओवरहेड की तो भी बात ही नहीं की। पहले मैंने बात की बजट की जो स्टार्टिंग में एस्टिमेट था, फिर मैंने बात की रिकवर्ड की जो हमने कस्टमर से रिकवरी की। पूरे साल में एक्चुअल में कितने ओवरहेड कंपनी ने आउट ऑफ पॉकेट खर्च कर दिए हैं, ये तो मैंने अभी तक कहीं लिखा ही नहीं, अब लिखता हूं। एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल में कंपनी ने खर्च कर दिए आउट ऑफ पॉकेट 1,20,000 के ओवरहेड। देखो तीन तरह के ओवरहेड हो गए हैं, एक हमने कहा बजटेड जो स्टार्टिंग का एस्टिमेट था, रिकवर्ड जो हम कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, और एक्चुअल जो हमने कंपनी ने खर्च कर दिया। अब आप मुझे ये बात बताइए, जब मेरा बजट 1,00,000 रुपए के ओवरहेड का था, तो एक्चुअल में 1,20,000 खर्च कैसे हुए, बता सकते हो? ये तो फिक्स्ड ओवरहेड है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल में पेमेंट करना क्या नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है? देखो रिकवरी नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमें रिकवर करना पड़ता है एक एक यूनिट बेचकर, पर यूनिट रिकवरी होती है, तो यूनिट ज्यादा होंगी कम होंगी, इससे रिकवर्ड ओवरहेड चेंज होगा। लेकिन एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड हम पे कर रहे हैं, मैं फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं, तो क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने पूरे साल में उस फैक्ट्री के अंदर कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड कैसे बढ़ गए, जब बजट 1,00,000 का था, तो एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड बढ़कर 1,20,000 खर्च हुए कैसे, ये किस वजह से बढ़ सकते हैं? ये बढ़ सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। आप समझो ना, आपने क्वालिफाई किया, आपकी जॉब लगी, पहली जॉब सैलरी आपको लगी 1,00,000 पर मंथ, 1,00,000 पर मंथ, तो इसका मतलब क्या यह है कि मरते दम तक 1,00,000 पर मंथ की सैलरी पर ही काम करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड है ना 1,00,000 पर मंथ, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि मरते दम तक 1,00,000 पर काम करेंगे। सर यह भी बढ़ेगी, और यह किस लिए बढ़ेगी, इन्फ्लेशन। जिस फैक्ट्री का रेंट अभी 50,000 रुपए पर मंथ दिया जा रहा हो, क्या इसका मतलब यह है कि लाइफ टाइम तक 50,000 रुपए पर मंथ ही रहेगा? नहीं, वो भी बढ़ेगा, किस वजह से, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब आता है तो कंट्री में सभी एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, और अगर सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, सभी एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो बेशक फिक्स्ड ओवरहेड हैं, ये भी बढ़ेंगे। आपने ध्यान से सुना, मैंने बात ही बात में कॉन्सेप्ट बोल दिया है, और मैंने क्या बोला,
इन्फ्लेशन की वजह से कंट्री में सभी एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ेगा। इसलिए जब बजट 1 लाख रुपए के ओवरहेड का था और एक्चुअल में 1,20,000 खर्च हुए हैं तो ये बढ़े हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में ये नहीं सभी एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, तो इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर वेरियंस। तो एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से जो डिफरेंट आ रहा है, या तो ये बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से, और अगर ये कम होगा तो रिसेशन की वजह से, कई बार प्राइस कम भी हो जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लिखते हैं इस बात को भी, ये लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ये पॉइंट, इतनी डिटेल में आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और प्रॉब्लम यही है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं होता। बट एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहें, कॉस्ट अकाउंटेंट कहें, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, और यहां पर हमने किसके डिफरेंस की बात की है, लिखते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड ओवरहेड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन ओब्लिग फॉल इन प्राइजेस, जरूरी नहीं बढ़े ही, कम भी हो सकते हैं, कोमा हेंस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टर्म्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरियंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरियंस इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। बजटेड और एक्चुअल की ही तो बात की है हमने यहां पर। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, जो एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूं, तो इसमें मेरे बजटेड ओवरहेड कितने हैं, बजट था 1 लाख रुपए के ओवरहेड खर्च होंगे, एक्चुअल में खर्च हो गए 1,20,000 इज इक्वल टू 20,000 कैसा रहेगा एडवर्स। बजट था 1 लाख का खर्चा होगा, एक्चुअल में खर्च हुए 1,20,000 तो एडवर्स हो गया, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। ये दोनों वेरियंस समझ आए। देखिए तीन तरह का अमाउंट मैं यहां पर लिख चुका हूं, एक है बजटेड ओवरहेड, एक है एक्चुअल ओवरहेड, और एक है रिकवर्ड ओवरहेड, यानी जो हम कस्टमर से कर रहे हैं रिकवरी। अब जरा एक बार नेट सेल सोचो, नेट सेल मतलब कंपनी ने क्या लिया क्या दिया। ध्यान से, कंपनी ने खर्च करने की बात करें तो खर्च कर दिए कितने आउट ऑफ पॉकेट 1,20,000। अब कंपनी की जेब से चले गए 1,20,000 और कंपनी ने अपने कस्टमर से रिकवरी कितनी की 90,000 की। अब खर्च हो गए 1,20,000, रिकवरी हुई 90,000 की, टोटल लॉस कितना हो गया 30,000 का। 30,000 का, इसे हम नाम देंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। ध्यान दे रहे हो मैंने क्या कहा,
कंपनी के खर्चों गए 120, रिकवरी हुई 90 की, तो टोटल लॉस कंपनी को हुआ 30,000 का। इसे हमने नाम दिया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सर इसमें बजट को नहीं देखना, देखो बजट तो सिर्फ एक तरीका था जिससे कि मैं हर यूनिट 10 रुपए का अमाउंट रिकवर कर सकूं। ये तो सिर्फ एक तरीका होता है कि हम सर फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट कितना ऐड करें, क्योंकि अगर मैं ये तरीका एस्टीमेट लगाकर ना करूं तो आपको ध्यान है ना कितनी प्रॉब्लम आ रही थी जब मैंने भी यहां पर आपसे बातें डिस्कस की कि कितना 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 अमाउंट ऐड करें। इसलिए ये तो बजट बनाकर एक एस्टीमेट लगाकर काम किया जाता है, एक्चुअल में क्या हुआ है वो तो लास्ट में पता चलता है। अब खर्च हुए 120 और रिकवरी हुई 90 की, टोटल 30,000 का लॉस हो गया। इसे हम नाम दे रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। ये देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू रिकवरी कितनी हुई, रिकवर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अपने इस एग्जांपल की बात करें तो रिकवरी की हमने 90 की, एक्चुअल में खर्च कर डाले 120, वेरिएंस कितना आया 30,000 एडवर्स, 30,000 का लॉस हो गया है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CACMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hey, this is Kovan Mishra of class 11. I am Vishal, everybody from CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. I'm Ayaz from Bihar, student of CAC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CAC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार मित्र सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।